नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज के लेसन में देखें गिटार कॉर्ड स्ट्रमिंग पैटर्न। फिल्म दिल से ये गीत है सतरंगी रे। इसे ओरिजिनली गाया था सोनू निगम जी ने, म्यूजिक रहमान साहब का था और लिरिक्स गुलजार साहब का। गाना बी फ्लैट मेजर में है और मैं बीट के साथ मैच करने के लिए बार कॉर्ड यूज़ करूँगा, लेकिन अगर आप चाहें तो केपो को 6th फ्लैट पर लगा के ई मेजर में बजा सकते हैं। हमेशा की तरह आपको स्क्रीन पर बार कॉर्ड और ओपन कॉर्ड दोनों मिल जाएंगे। गाने का स्ट्रमिंग पैटर्न सिंपल है लेकिन थोड़ा फास्ट है और हम लेसन के अंदर सारे कॉर्ड स्ट्रमिंग पैटर्न भी डिटेल में जरूर देखेंगे। गाने के स्केल और कॉर्ड में भी कुछ खास बातें हैं और उस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। हमेशा की तरह गाने के लिरिक्स और कॉर्ड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आज का लेसन मेरा साथ देंगे धीरज बरला। तो आइए देखें सतरंगी रे। तू ही तू सतरंगी रे, तू ही तू मन रंगी रे, तू ही तू सतरंगी रे, तू ही तू मन रंगी रे। सतरंगी रे मन रंगी रे, कोई दूर है तो क्यों दूर है तो, जब पास है तो एहसास है तो, कोई ख्वाब है या परछाई है सतरंगी रे। तो आइए देखें गाने में कौन कौन से कॉर्ड्स हैं। गाने में जो सबसे प्रोमिनेंट कॉर्ड है वो है बी फ्लैट 7th। आप इसे यहां भी बजा सकते हैं, आप बी फ्लैट 7th की जगह बी फ्लैट मेजर भी बजा सकते हैं, वो भी चलेगा। इसके अलावा ई फ्लैट माइनर और बी मेजर और एक जगह हमने डी फ्लैट मेजर भी यूज किया है, यानी कि सी शार्प मेजर। और अगर आप ओपन कॉर्ड में जाना चाहें तो केपो को 6th फ्लैट पे लगाएं और ई मेजर में जाएं, यानी कि पहला कॉर्ड बी फ्लैट 7 की जगह E7। आप वहां पर चाहें तो ई मेजर भी जा सकते हैं, ई फ्लैट माइनर की जगह ए माइनर, इसके अलावा बी मेजर की जगह एफ मेजर और एक जगह हमने जहां डी फ्लैट मेजर बजाया वहां पर जी मेजर। आइए स्ट्रमिंग पैटर्न भी देख लें। ओपन कॉर्ड्स में वही पैटर्न है, तू
और अगर आप पिक यूज करना चाहें तो यूं बजा सकते हैं। तो आइए आज के लेसन में जो हमने कॉर्ड प्रोग्रेशंस यूज किए हैं उनमें क्या खास बातें हैं। आपने देखा होगा गाने में हर वक्त हम बी फ्लैट सेवंथ की ओर खींचे चले आते हैं, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि गाना बी फ्लैट मेजर में है, लेकिन ये आपका स्टैंडर्ड मेजर स्केल नहीं है। इस स्केल के बहुत से नाम हैं, इसे फ्रिजियन डोमिनेंट स्केल भी कहते हैं, और इसे आप चाहें तो हार्मोनिक माइनर का फिफ्थ इन्वर्जन या फिफ्थ मोड भी कह सकते हैं। तो आइए इस स्केल को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें। आइए गाने के स्केल को समझें। ये गाना बी फ्लैट मेजर में है, लेकिन ये आपका स्टैंडर्ड मेजर स्केल नहीं है। अगर आप बी फ्लैट नोट को अपना टॉनिक नोट यानी कि सा मान के चलते हैं, तो स्केल में नोट्स हैं यानी कि सा, कोमल रे, शुद्ध गा, शुद्ध मा, पा, कोमल धा, कोमल नी और सा। और इस कारण जो है इस गाने में आपने देखा होगा हमने जो कॉर्ड यूज किए हैं वो आपके स्टैंडर्ड मेजर स्केल के कॉर्ड नहीं है। तो गाने में तीन कॉर्ड हमने यूज किए, बी फ्लैट मेजर, ई फ्लैट माइनर और बी मेजर। जब जब आपका गाना सा, शुद्ध गा, पा या कोमल नी पे लैंड करता है तब आप बी फ्लैट सेवन बजाएं। जब भी आपका गाना कोमल रे पे लैंड करे तब आप चाहें तो बी मेजर बजाएं, और जब जब आपका गाना मा नोट पे लैंड करता है तब आप वहां पर ई फ्लैट माइनर बजाएं। इस स्केल को समझने का और एक तरीका है, अगर आप ई फ्लैट माइनर स्केल लेके चले और ई फ्लैट हार्मोनिक माइनर बजाएं कि अगर आप इस स्केल में जो पांचवा नोट है यानी कि जो पंचम नोट है पा नोट जो है इस नोट को अगर आप अपना सा बना लें तो वो आपका वही स्केल बन जाता है जो हमने आज यूज किया। तो यानी कि ये जो आपका बी फ्लैट मेजर स्केल जो हमने आज यूज किया है ये एक तरह से ई फ्लैट माइनर यानी ई फ्लैट हार्मोनिक माइनर के फिफ्थ नोट का जो है इन्वर्जन है। इसको आप फिफ्थ मोड भी कह सकते हैं, फिफ्थ इन्वर्जन भी कह सकते हैं। यानी ई फ्लैट माइनर के जो नोट्स होते हैं सा, शुद्ध रे, कोमल गा, मा, पा, इस पा नोट को अगर आप अपना सा बना ले तो ये आपका वही बी फ्लैट मेजर स्केल हो जाता है जो हमने आज यूज किया है। इस स्केल के और भी नाम है, इसे फ्रिजियन डोमिनेंट स्केल भी कहते हैं। आइए स्केल के नोट को फिर से एक बार देखें। तो जैसा भी आपने देखा गाने का होम कॉर्ड जो है एक मेजर कॉर्ड है। मैंने हर वक्त सेवंथ कॉर्ड यूज किया है गाने को रिच बनाने के लिए। आप चाहें तो सीधा मेजर कॉर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका ये स्टैंडर्ड डायटोनिक मेजर स्केल नहीं था। इस स्केल पर बहुत से गाने बनाए गए हैं और उनमें से कुछ गानों पर मैंने लेसन बनाए भी है, तो और उनके लिंक्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। मेजर स्केल्स तरह तरह के होते हैं और माइनर स्केल्स भी तरह तरह के होते हैं, और अगर आप इन स्केल्स के बारे में और डिटेल में जानकारी हासिल करना चाहें तो आप मेरे कुछ लेसन को देखें मेजर स्केल्स और माइनर स्केल्स पर, उनके लिंक्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप देखें आपको अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेसन पसंद आया। हमेशा की तरह अपने कमेंट्स और फीडबैक मुझे भेजें, मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो अगले लेसन तक फिर मिलते हैं, शुक्रिया।